नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दमोह जबेरा से आ रही है, जहां पर एक 1.5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसके आरोपी को मैं 6 घंटों के भीतर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना दरअसल जबेरा थाना की है। जबेरा थाना अंतर्गत रिश्तों को तार तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक रिश्तेदार ने ही मासूम बालिका को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। मामला सामने आने के बाद मासूम के साथ परिजन जबेरा थाना पहुंचे, जहां पर तत्काल ही एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी थी। साथ ही मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। वहीं SP के निर्देशन में गठित जबेरा पुलिस की टीम ने आरोपी को सुबह करीब 5 बजे पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पिछले करीब 6 माह में जबेरा थाने में नाबालिग बालिका के साथ शर्मसार करने वाला यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व भी जबेरा थाना अंतर्गत ग्राम में भी मासूम के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही मौके पर पहुंचकर आरोपी की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। दरअसल शनिवार की रात्रि में घटित इस मामले की जानकारी रविवार को घटनास्थल का मुआयना कर वापस लौटे सागर संभाग के पुलिस उप महानिरीक्षक रविशंकर डेहरिया ने जबेरा थाना के आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया। एक अनजान रिश्तेदार ने, जिसका वो नाम नहीं जानते हैं, उसने बलात्कार किया है। बच्ची घायल अवस्था में है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है। सूचना मिली थी, सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। एडिशनल SP ने मुझे सूचना दी थी और महिला को जो है अस्पताल भिजवाए, एनर्जी वगैरह कराई और जो कानूनी कार्रवाई आवश्यक थी वो करने के बाद 3-4 पार्टी बना के हम लोगों ने रात में ही तजवीज की और लगभग 3-3.5 बजे आरोपी दुर्गेश पिता प्रताप सिंह गौड़ उम्र 19 साल को गिरफ्तार किया है। और उसमें उसके पृष्ठभूमि में ये है कि वो शराब के नशे में था। शराब पीने के बारे में वो अपने मामा की ससुराल जो पीड़ित के घर में की पहली पत्नी राजा पीड़ित के पिता की पहली पत्नी जो है, और 2 बार ये पहले, एक बार शादी में, एक बार ऐसे ही रिश्तेदारी में आया था। तो इस बार भी वो रिश्तेदारी में आया था, लेकिन शराब के नशे में बच्ची की कोर्ट में खिलाते कराते उसके जो है बच्ची को अकेले कमरे में ले जाकर घटना घटित की है। और मुंजी में को गिरफ्तार कर लिया है। पास्को एक्ट 376 IBC की धारा लगा दी, कार्रवाई की जा रही है। बच्ची सुरक्षित है।